रेवतला में राजकीय महाविद्यालय भवन का मुख्यमंत्री शर्मा ने किया वर्चुअल लोकार्पण। साइला उपखंड के रेवतला में नवनिर्मित महाविद्यालय भवन का बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, भाजपा वरिष्ठ नेता दीप सिंह धनाणी, भाजपा की मंजू मेघवाल, सरपंच गीता गर्ग, भवानी सिंह बाकरा, आईटी सेल जिला संयोजक भवानी सिंह देता, मुकेश राजपुरोहित, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष तगत सिंह तालियाना, मूल सिंह संपावत, लालाराम माली, भाजपा मंडल अध्यक्ष नैनमल लखारा, जेटू सिंह रेवतरा, मनसा सिंह थे। कार्यक्रम में मनसा सिंह अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत बहुमान किया गया। वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाविद्यालय का लोकार्पण किया। तत्पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गर्ग ने कहा कि आज का दिवस मनुष्य दिवस है। आज ही के दिन देश के तीन टुकड़े हुए थे, वहीं 15 अगस्त हमारे देश को गौरवान्वित करने वाला पल होगा, इसलिए हमें याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें रोज ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि देश को पुनः अखंड भारत बना सके। आज़ादी दिलाने वाले देश के सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनको याद किया। उन्होंने कहा कि आज ये देखकर अच्छा लगा कि इस महाविद्यालय में बालिकाएं ज़्यादा संख्या में पढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि इस महाविद्यालय में राजस्थानी भाषा विषय में पढ़ाई हो रही है, जो बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से काम करना होगा ताकि इस क्षेत्र में शिक्षा की बदौलत युवा अपना नाम रोशन कर सके। उन्होंने कॉलेज परिसर में अपना ओपन जिम लगाने, परिसर तक पक्की सड़क बनाने की घोषणा की। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर रेवतरा बाकरा सड़क को शीघ्र बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए बिजली की कम आपूर्ति के लिए जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए, इसलिए आज बिजली आपूर्ति के लिए बाधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए पिछले 3-4 महीनों से बिजली आपूर्ति में समस्या हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अब सब जगहों पर संसाधन उपलब्ध करवा रही है और समस्या से निजात दिलाएगी। पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खुशी की बात है कि इस महाविद्यालय में बालिका सर्वाधिक संख्या में अध्ययनरत हैं। उन्होंने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि हमारा भाग्य है कि इस गांव में सबसे बड़ा भवन गोल्ड मेडल भमासा द्वारा परिवार द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण किया गया है, जिसका भी जल्द ही लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में असिस्टेंट प्रोफेसर अर्जुन सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, अभिभावक एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन जितेंद्र सिंह ने किया। इस दौरान कॉलेज परिसर में मुख्य सचेतक गर्ग ने पौधारोपण भी किया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी तारासन वेंकट, बीडीओ गौरव विश्नोई, सीबीओ भवालाल परमार, प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भावेश कुमार, अंबालाल, रविंदर सिंह, किशोर सिंह, रीनू, लक्षिता, केनाराम, इरफान मेयर, संपालाल मुथा, उत्तम सिंह मुथा, कुलदीप सिंह गहलोत, आरएल नोगिया, शंकरलाल मीणा, राजेश मालविया, रमेश मेघवाल, दशरथ सिंह भाटी, सुरेश वैष्णव, नकुल सिंह रेवतरा, थानमल थलवार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। एक सौभाग्य है कि यहाँ रेवतरा में कॉलेज है, पास में सेकेंडरी स्कूल भी बिल्डिंग बनी हुई है, वो कम से कम 1300 करोड़ से हमारे गांव के भामाशाह गोल्ड मेडल ने बनाई है। उनके पास में हमने और जोगेश्वर जी ने शिलान्यास किया था सीएससी का, जो स्वास्थ्य समुदाय के अंदर साला जैसा यह बनेगा और वो भी भामाशाह गोल्ड मेडल बना रहे हैं और मुझे विश्वास है कि वो बहुत अच्छा रूप लेगा